हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोनिया गुस्सर व्लॉग। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो आप सब लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी 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 दिवाली। और हम अटके हैं ट्रैफिक में क्योंकि दिवाली चल रही है, तो बहुत ज़्यादा रोड पे ट्रैफिक हो गई है। मैं कहाँ जा रही थी? मैं जा रही थी आज मेरे बेड के लिए, मैट्रेस लेने के लिए। बहुत टाइम से लेना था, बट मैंने सोचा दिवाली पे सब लोग शॉपिंग करते हैं, सब चीज़ें दिवाली पर ही लेंगे न्यू। सो मैं पहुँची मैट्रेस की शॉप पर। यहाँ पर बहुत सारे मैट्रेस थे, बट मुझे इतने कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आ रहे थे जैसा मुझे चाहिए था। मतलब मैं जैसा अपना माइंड में सोच के गई थी कि मुझे ऐसा मैट्रेस चाहिए। मैं सबको टच करके देख रही थी, दबा दबा के देखा मैंने कि ये कैसे लग रहे हैं। और फिर मैंने जो यहाँ पर टेस्टिंग पीस रखे होते हैं कि आप लोगों को जो लेना है उस पर आप लोग बैठ के चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने भी सबके ऊपर एक एक बारी देखा कि कैसा फील हो रहा है। क्योंकि मैट्रेस एक ऐसी चीज़ है जिस पे हम लोग दिन भर के थके हारे सोते हैं, तो वो तो सबसे बेस्ट होना चाहिए। यहाँ पर मुझे ये वाला बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने इसको डन किया और बस हम लोग निकल गए फिर घर पर आने के लिए। आए और उसके बाद थे बहुत सारे काम, जैसे कि नेक्स्ट डे दिवाली थी, ये है छोटी दिवाली वाली दिन की वीडियो। यहाँ पर मैं और मम्मी बना रहे थे करंजी। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि दिवाली पे यहाँ सब कुछ बनता है, मतलब तो यहाँ पर हम लोग बना रहे थे करंजी। यहाँ पर मम्मी मसाला वगैरह बना रही थी और मैं यहाँ पर टेस्ट कर रही थी कि मसाले में मीठा वगैरह सही है कि नहीं है। फिर बन गई हमारी करंजी और मम्मी ने फिर सारी करंजियों को किया फ्राई, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, ये करना वो करना, दिन कहाँ बीत जाता है ना पता ही नहीं चलता है। सब चीज़ें एक 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 एक, इधर काम करो उधर जाना है, उधर काम करो उधर जाना है, पूरा दिन बस हड़बड़ हड़बड़ होती रहती है। यहाँ पर फिर मैंने बनाई चकली, जो कि चकली भी बनानी थी, तो यहाँ पर चकलियाँ बना रहे थे। ये था शाम का वक्त और हम लोग थक गए थे बुरी तरह। दीदी तो बेचारी बैठ गई कि अब और ज़्यादा नहीं कर सकती, क्योंकि सुबह से जो लगे थे इस टाइम आके सब ऐसे हो जाते हैं कि भाई अब नहीं हिम्मत हो रही है। दिन भर तो फ्रेश रहते हैं, बट शाम को आके ऐसा हो जाता है कि अब हिम्मत नहीं हो रही। बट त्यौहार ऐसे हैं कि त्यौहार फुर्सत लेने का टाइम ही नहीं देते। और बस फिर ये है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग, जो कि मुझे करना था अपना मंदिर थोड़ा सा डेकोर। यहाँ पर हम लोग मंदिर डेकोर कर रहे थे। और फिर क्योंकि मंदिर मतलब कैसा है कि हमें लेना है नया, बट अभी रीसेंट नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों को जो भी मतलब थोड़ा हम सामान लेके आए थे और हमने सोचा चलो जो भी है इसको ही अच्छे से डेकोरेशन करते हैं और मंदिर को आज चमकाएंगे हम लोग। मैं और दीदी लग गए यहाँ पर मंदिर चमकाने के लिए। डेकोरेशन हो गया और फिर उसके बाद मम्मी ने बनाए मंदिर के लिए जो हार फूल वगैरह बनाने थे, तोरण वगैरह, और फिर हो गई शाम। तो मैंने सोचा चलो पहले मैं बनाऊंगी खाना और उसके बाद होंगी रेडी, क्योंकि शाम के भी बहुत सारे काम होते हैं और रेडी होने के बाद फिर मन नहीं करता कि कुछ खाना बनाया जाए। तो यहाँ पर मैंने बनाई पनीर की सब्जी। रेसिपी तो मैंने आप लोगों के साथ बहुत टाइम शेयर की है, एक बार फिर से आप लोगों के लिए मैंने सोचा चलो जब बना ही रहे तो क्यों ना रेसिपी शेयर की जाए। यहाँ पर मैंने
बनाई पनीर की यम्मी सी सब्जी एकदम ढाबा स्टाइल यानी पनीर कढ़ाई। पनीर की सब्जी हो गई थी रेडी और उसके बाद मैं पहुंची किचन में वापस से चावल बनाने के लिए, क्योंकि मुझे बनाने थे मटर वाले चावल। सो यहाँ पर मैंने अपने मटर वाले चावल छौंके फटाफट और खाना हो गया था मेरा रेडी। आटा वाटा मैंने गूंद के रख दिया था और फिर मुझे निकालनी थी नीचे रंगोली, क्योंकि जो कि हमारा मेन डोर है वहाँ पर। सो मैंने यहाँ पर निकाली है रंगोली। सो मैं रंगोली बहुत अच्छी निकालती हूँ, बट ये था कि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था। इस टाइम बच चुके थे 7:00 और मम्मी पहले ही बहुत गुस्सा हो रही थी कि अरे इतना टाइम हो गया है, 7:30 का कुछ मुहूर्त था। फिर भी चलो कोई बात नहीं, मुझे जितना टाइम था, मुझे जैसी रंगोली आई मैंने बस फटाफट से बनाई रंगोली और मैं पहुंची ऊपर रेडी होने के लिए। ऊपर आने के बाद मैं हो गई रेडी और फिर आ गए थे सब लोग घर में। रजनी भी वहाँ से आ गई थी और सब लोग मतलब रेडी हो गए थे, बच्चे बच्चे, मैं, दीदी, सब रेडी होने के बाद मम्मी ने भी पूरा मंदिर वगैरह डेकोरेशन जो हमने सुबह किया था और फिर जो हार फूल से सजाना था वो सब मम्मी ने किया था। फिर उसके बाद सब हम सब लोगों ने मिल के की शाम की आरती।
गाइज आरती होने के बाद फिर मैंने सारे दियों के साथ अपने पूरे घर को सजाया। दिए से सजाने के बाद बच्चों ने फोड़े बहुत सारे पटाखे, बहुत इंजॉय किया और हम सब फैमिली मेंबर्स ने मिलके यहाँ पर निकाली बहुत सारी पिक्चर्स। और आई विश कि आप सब लोगों की दिवाली बहुत 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 अच्छी बीती हो। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड अगेन हैप्पी 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 दिवाली।